मोगा के गांव तारेवाला की नहर से एक युवती का शव मिलने वाला मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। थाना चंडी की पुलिस ने युवती की पहचान रमनदीप कौर के तौर पर की है, जिसकी हत्या की गई थी। पहचान के बाद पुलिस को पता चला कि युवती के लापता होने की रिपोर्ट परिवार ने पुलिस को दर्ज करवाई गई थी, लेकिन जब पुलिस ने पूरी गहनता से इसकी जांच की तो पता चला कि युवती की हत्या उसके पिता बलदेव सिंह ने ही की है थी। कत्ल पर उसके शव को गांव तारेवाला के नहर में फेंक दिया था। पुलिस के अनुसार बलदेव सिंह अपनी बेटी के चरित्र पर शक करता था, उसी के चलते पिता ने बेटी की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। मिति 18 तारीख नू एक डेड बॉडी पिंड तारेवाला दे सेम नाला विचों मिली सी। सुबह सानू इस दे बारे इनफॉर्मेशन आई तो मुख्य अफसर थाना चिड़क उत्थे मौके ते पहुंचा। डेड बॉडी उत्थे सानू सेम नाला दे विच बरामद हुई, उसनू असी जदों शनाख्त कर ली असी मोर्चरी च रखवाया। तो उस तो बाद उसकी जिहड़ी शनाख्त है डेड बॉडी की वह रमनदीप कौर पुत्री बलदेव सिंह वजो हुई, जिहदी की उम्र करीब 22-23 साल की सीगी। उस तो बाद जिहड़ी लाश सीगी काफ़ी डीकंपोज्ड सीगी ते शक्की हालात च लाश सानू मिली सी, इस करके असी FIR नंबर 194/194/23 अंडर सैक्शन 302-201 IPC के अधीन असी दर्ज करके तफ्तीश नू अमल में लिया।